क्या आप जानते हैं बहुत से बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं? मैं डॉक्टर भारती खैरनार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, मणिपाल हॉस्पिटल खराड़ी से आज हम ऑटिज्म के बारे में बात करेंगे। ऑटिज्म ये न्यूरोडेवलपमेंटल कंडीशन है जिसका प्रभाव बच्चों के विकास के तीन अंगों पर पड़ता है, जिसमें सोशल इंटरैक्शन यानि पारस्परिक विचार विमर्श, कम्युनिकेशन यानि संवाद और कॉग्निशन यानि संज्ञान, इन विभागों में कमियां होती हैं। इन बच्चों में रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर इंटरेस्ट और एक्टिविटीज रहते हैं। रिसर्च यह कहता है कि ऑटिज्म जेनेटिक्स यानि अनुवंशिकता और एनवायरनमेंट यानि पर्यावरण के इंटरप्ले के वजह से होता है। यह वैक्सीन के वजह से नहीं होता और परवरिश का इसमें कोई रोल नहीं है। ऑटिज्म के लक्षण 3 साल के अंदर देखे जाते हैं। इनमें सडन लॉस और रिग्रेशन ऑफ स्पीच यानी बच्चे का अचानक बोलना बंद होना, आई कॉन्टैक्ट नहीं देना, पेरेंट की तरफ देख के नहीं हंसना, माता पिता द्वारा नाम बुलाए जाने पर ध्यान नहीं देना, 18 महीने तक एक भी अर्थपूर्ण शब्द न बोलना, हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता। इन बच्चों में रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव एक्टिविटीज या स्टीरियोटाइप बॉडी मूवमेंट्स हो सकते हैं, जैसे हैंड फ्लिपिंग, ट्विस्टिंग, बॉडी रॉकिंग, स्वेइंग। ये खिलौनों को एक ही लाइन में अरेंज करते हैं, खिलौनों को यानी गाड़ी के पहिए को गोल गोल घुमाना, इनको किसी वस्तु या खिलौनों से अजीब तरह का लगाव दिखाने में आता है। एक ही शब्द या एक ही पोएम बार बार दोहराएंगे, जिसको इकोलैलिया कहते हैं। ये बच्चे अपने हम उम्र बच्चों के साथ दोस्ती नहीं करते, उनके साथ खेलने में रुचि नहीं रखते, घर के कोने में अकेले बैठे नजर आते हैं। इनको सेंसरी इश्यूज होते हैं, जैसे जोर से दरवाजे की बेल बजी या अलार्म बजा तो ये कान बंद कर देते हैं। इनमें फिंगर पॉइंटिंग का अभाव रहता है, इमिटेटिव प्ले यानी प्रिटेंड प्ले ये नहीं कर पाते। इन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता दिखाई देती है। ये सारे लक्षण इन बच्चों में नजर आते हैं। ऑटिज्म यह कोई बीमारी नहीं है जो दवाइयों से ठीक की जा सके। यहाँ इंटरवेंशन थेरेपी का बहुत महत्व है। यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच है। इसमें डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, इनका समावेश है। यहाँ अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी का बहुत महत्व है। इनमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट द्वारा दी जाती है, इसमें इनके सेंसरी इश्यूज पर ध्यान दिया जाता है। अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, जिसका फायदा इनको संवाद, रीडिंग, शिक्षा लेने में, पर्सनल हाइजीन, ग्रूमिंग में होता है। अगर इनके साथ कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी यानी चिंता, तो उनके लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनको कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे मिर्गी आना, तो उनके लिए दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है। अगर इनको कोई दूसरे परेशानियाँ है, जैसे एग्रेसिवनेस, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी यानी चिंता, स्लीप इश्यूज, तो इनके लिए दवाइयाँ दी जाती है। लेकिन ये पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट के सलाह के साथ ही दी जाती है। ये बच्चे पिकी फूड ईटर रहते हैं, इसलिए इनमें रिस्ट्रिक्टेड फूड हैबिट्स रहते हैं। इनकी वजह से इनमें कोई न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज हो सकती है, जैसे विटामिन डी, विटामिन B12, तो इनका सप्लीमेंटेशन दिया जा सकता है। इसका इलाज लंबे समय तक चलता है और इम्प्रूवमेंट स्टेप बाय स्टेप दिखाई देता है। इसके लिए माता पिताओं ने अपने डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट के साथ लंबे समय तक जुड़े रहना बहुत आवश्यक है और उनके साथ नियमित रूप से फॉलोअप रखना आवश्यक है। अगर ऑटिज्म के लक्षण बच्चों में जल्द ही समझ में आए और इनको अर्ली इंटरवेंशन से इन बच्चों के डेवलपमेंट में काफ़ी विकास हो सकता है।